संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सुधारों के मिले संकेत, लॉकडाउन के बाद गिरी अर्थव्यवस्था, अगले साल आएगा सुधार। मोदी सरकार 1 फरवरी को देश का अगला बजट पेश करने जा रही है। सरकार अपनी कमाई और अगले साल के खर्चे का पूरा विवरण देश के सामने बजट के रूप में पेश करेगी। सरकार ने पिछले साल में कितनी कमाई की और अगले साल में सरकार कितने पैसे कहां खर्च करेगी, इसका पूरा लेखा जोखा सरकार बजट में पेश करती है। सरकार बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए घोषणाएं और बजट तय करती है। सरकार इस बजट से पहले आर्थिक सर्वे भी पेश करती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है आर्थिक सर्वे? केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है वो आगामी वित्त वर्ष में सरकार किस क्षेत्र में कितना खर्च करेगी, एक तरह से उसका लेखा जोखा होता है। लेकिन सरकार ने इस वित्त वर्ष में कितना कहां खर्च किया, इसका लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण में होता है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की सालाना आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में निकट भविष्य की योजनाओं और अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास का अनुमान होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बुनियादी ढांचे, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, कीमतों, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण करता है, जिनका बजट में प्रमुख ध्यान होता है। ये दस्तावेज अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। इस सर्वे की रिपोर्ट को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार केपी सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। सुब्रमण्यम ने कहा कि आर्थिक सर्वे का पहला चैप्टर भारत की कोविड-19 को लेकर नीतियों पर है, जिसमें एक संकट के बीच जान और आजीविका बचाना शामिल है। सर्वे के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन की सख्ती उस समय में नकारात्मक आर्थिक वृद्धि का कारण बनी, लेकिन आने वाले समय में सकारात्मक वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक अनिश्चितता के दौरान नीति को बड़े घाटे कम से कम करने चाहिए। कोविड-19 के प्रति भारत की नीतियां इस वास्तविकता पर आधारित थी कि जीडीपी वृद्धि वापस लौटेगी, लेकिन लोगों की जान नहीं। शुरुआती दौर में लगाए गए सख्त लॉकडाउन ने लोगों की जान बचाई और तेजी से स्थिति में सुधार लाने में मदद मिली। वी-शेप की रिकवरी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 7.7% होगी, यानी कि इसमें 7.7% की गिरावट आ सकती है। भारत में इससे पहले जीडीपी में 1979-80 में सबसे अधिक 5.2% का संकुचन हुआ था। वहीं आगामी वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 11% की वृद्धि का अनुमान है। भारत में इससे पहले जीडीपी में 1979-80 में सबसे अधिक 5.2% का संकुचन हुआ था। कृषि क्षेत्र में वृद्धि जारी है, जबकि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते सेवा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। आगे सर्वे में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी ने मार्च 2020 से देश में आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है। बजट से उम्मीदें। उम्मीदों के बीच सर्वे ने अपने कवर पेज पर ही चुनौतियों और ग्रोथ के जोखिम को भी साफ कर दिया। कोरोना के तराजू पर अर्थव्यवस्था, जिंदगियां और स्वास्थ्य के जोखिम को सुधार, बुनियादी ढांचा, आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन के वजन से हल्का होता दिखाया गया। इस तराजू में 1 फरवरी के बजट की झलक भी है। साफ है कि वित्त मंत्री का ये बजट वैक्सीन के सुरक्षा घेरे में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने पर केंद्रित होगा और इसके लिए सुधारों की बुनियाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जरिया बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।